तो गाइस यार आज के वीडियो में हम लोग अपग्रेड होने वाले हैं एक इंसान से दुनिया के सबसे फास्टेस्ट चीता में। और मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं मदद लेने आ चुका हूँ इस खतरनाक चीता मास्टर से। ये चीता मास्टर मदद करने वाले मेरी दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनने के लिए। तो गाइस यार क्या आप तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। चीता मास्टर बताइए मुझे क्या करना है दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनने के लिए। बच्चे, दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनने से पहले तुम्हें एक चीता बनना पड़ेगा और उसके लिए तुम इस रेस को कंप्लीट करके इस बजर को दबाना पड़ेगा। क्या सिर्फ बजर दबाना है? ये तो बहुत इजी है, अभी कर देता हूँ। रुक जाओ बच्चे, ट्विस्ट ये है कि मेरे सारे बेबी चीतास तुम्हें पकड़ेंगे। अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें पकड़ लिया तो तुम हार जाओगे। तो जल्दी शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। अरे काइजर ये क्या, इतने सारे चीता बेबीज मेरे पीछे पड़ चुके हैं। तो काइजर मुझे उस बजर को दबाना पड़ेगा उससे पहले कि इनमें से कोई भी मुझे पकड़ ले। तो मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा फुल स्पीड में। अरे भागो भागो भागो, अरे ये तो मेरे बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, जल्दी भागो। ये चीता बेबीज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी कूदो कूदो। अरे यहाँ से तो कूद ही नहीं पा रहा। अरे ये तो बहुत ही पास आ गया। भागो 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 जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे यहाँ से तो रास्ता ही है। और ये भागो, और ये बजर दबा दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने बजर दबा दिया। ये लो फटाफट से चीता पोषण पी लो। तो गाइस यार अभी मैंने बजर दबा दिया और मैं ये चीता पोषण यहाँ पर पीने वाला हूँ। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो इस पोषण को पीने के बाद मैं तो एक बहुत ही खतरनाक सा चीता बन चुका हूँ। बच्चे पहला चैलेंज तो बहुत इजी था, पर सारे चैलेंज इतने इजी नहीं होने वाले। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनना है तो तुम्हें इस लॉस सैंटोस में जितने चीता पोषण है उन सबको पीना पड़ेगा। जाओ बच्चे। चलो गाइस फटाफट से यहाँ से चलते। अभी मैं एक चीता बन चुका हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है। आप देख सकते हो मेरी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है, मैं बहुत ही ज्यादा तेज भाग पा रहा हूँ। और आपको तो पता ही होगा चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। चीता तो मैं बन गया, पर गाइस यार ये वाला चीता बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, पर आप टेंशन मत लो, मैं और भी बहुत सारे चीता पोशन पी के बनने वाला हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक पिज्जा। मेरा मतलब है चीता। चलो शुरू करते हैं। बच्चे पिछली बार तो बेबी चीता तुमको नहीं पकड़ पाए थे, इस बार अगर तुम्हें ये चीता पोषण चाहिए तो तुम्हें इस खतरनाक से लॉयन को पकड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इस लॉयन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। वो तो अभी पता चली जाएगा। 3, 2, 1 गो। तो गाइस यार अभी हमें उस लॉयन के बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो मुझे चीता पोषण मिल जाएगा। रुक जा लॉयन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा। ये क्या, वहाँ पर तो बाइक्स खड़ी है। अरे ये क्या बाइक चलाएगा? अरे रुक जा, मैंने तो बोला था तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अरे गाइस यार ये क्या, ये लॉयन का बच्चा तो बाइक भगाते हुए चला गया, मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। लॉयन रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अरे ये कहाँ जा रहा है, पानी में क्यों जा रहा है ये? अरे काइजर ये लॉयन का बच्चा तो पानी में चला गया और इसने तो अपनी बाइक भी निकाल ली, मैं क्यों गिर गया यहाँ पे? रुक जा लॉयन। अरे काइजर मुझे लगता है वो लॉयन की बाइक पानी में जाने से खराब हो गई। और वो देखो लॉयन स्विमिंग करके जा रहा है, मुझे इसको कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा। अगर मुझे चीता पोषण पी है तो मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। रुक जा लॉयन मैं आ रहा हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, रुक जा। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा, चलती भागो भागो भागो। काइजर मैं उसको पकड़ने वाला हूँ, मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। रुक जा लॉयन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक जा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले। तो काइजर आखिरकार मैंने इस लॉयन को पकड़ लिया। ये ले ये ले। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने इस लॉयन को पकड़ लिया। ये चीता पोषण दोबारा हुआ, पी लो इसको। चलो काइजर हमें अपना दूसरा चीता पोषण भी मिल चुका है, चलो फटाफट से इसको पी लेते हैं। और काइजर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक और खतरनाक से चीता में। ये चीता पहले वाले से थोड़ा छोटा है, पर ये उससे बहुत ही खतरनाक है क्योंकि काइजर मैं बड़े बड़े जंप मार सकता हूँ। आप देख सकते हो मैंने एक ही जंप में पूरी की पूरी लेक पार कर दी। और काइजर हमें और भी खतरनाक पावर्स मिल चुकी है, जैसे कि हम पानी के ऊपर रह सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, मैं पानी के ऊपर भाग पा रहा हूँ, मैं पानी के ऊपर कूद पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो काइजर ये वाला चीता पहले से बहुत
बहुत खतरनाक था। पर इसके बाद जो हम पोषण पीने वाले हैं वो चीता सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर ना ही हम एक कमजोर चीता रहेंगे ना ही एक छोटे चीता। चलो गाइस फटाफट से चलते अगला चीता पोषण पीते हैं। चलो बच्चे ये जो अगला चीता पोषण है मैं वो तुमको फ्री में देने वाला हूँ। अरे चीता भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, थैंक यू, चलो इसको पी लेते हैं। अरे रुक जाओ पर उसके लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा चीता पोषण जल्दी जल्दी कमेंट करवाओ। तो गाइस आप सब ने सुन लिया है ये चीता अंकल मुझे फ्री में देने वाले ये चीता पोषण। अगर आप कमेंट करोगे चीता पोषण आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ कमेंट करना है चीता पोषण जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ताकि ये चीता मुझे सारा का सारा पोषण दे दे और मैं एक खतरनाक से चीता में अपग्रेड हो जाऊं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बच्चे, लाइक करवाना मत भूलना। हाँ गाइस फटाफट से लाइक भी कर देना, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो चीता पोषण जल्दी लिख दो। मुझे लगता है सबने लिख दिया होगा। मुझे नहीं लगता सबने लाइक किया और कमेंट किया है, एक बार फिर से बोलो। अरे गाइस अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो चीता पोषण। अच्छा ठीक है मुझे लगता है अभी तक सबने कर दिया होगा, ये पोषण दोबारा हुआ। अरे गाइस आखिरकार हमें एक और पोषण मिल गया, देखते हैं इसको पीने के बाद हम कौन से चीता में अपग्रेड होने वाले। ये पोषण तो मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है, चलो इसको पी लेता हूँ। रुक जा बच्चे ये पोषण मैं लेके जाऊंगा, भागो। अरे ये वेनम मेरा पोषण क्या लेके जा रहा है? ए वेनम के बच्चे मेरा पोषण दे। तुम्हें ये पोषण कभी नहीं मिलेगा, बाय बाय। ए रुक जा मेरा पोषण। बाय बाय बच्चे। अरे रुक जा, अरे कैसर ये वेनम का बच्चा कहाँ से आ गया? अरे मेरा पोषण कल लेके जा रहा है, मेरा पोषण वापस दे। अरे अंकल गाड़ी चला रहे थे क्या? मेरा पोषण। अरे वेनम रुक जा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तुझे पकड़ के लाऊंगा क्योंकि मैं भी बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। वेनम रुक जा मेरा पोषण दे दे। अरे कैसे मुझे इस वेनम के बच्चे को पकड़ना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ पर लेके जा रहा है मेरा चीता पोषण, मेरा पोषण। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे पित्ती चीते, तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। वेनम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा पोषण वापस कर, मेरा पोषण वापस कर। अरे कैसे मुझे इस वेनम के बच्चे को पकड़ना है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो वेनम के बच्चे को पकड़ने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा गुड लक बढ़ेगा, इसको मैं पकड़ पाऊंगा। रुक जा अब मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। रुक जा वेनम रुक जा। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा गाड़ी रोक। अबे ये चीता या फिर बंदर ऊपर क्यों चढ़ गया? नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा, गाड़ी रोको वरना मैं नहीं उतरूंगा। तुमने तो मेरी गाड़ी खराब कर दी। अच्छा ठीक है मैं हार मानता हूँ, ये लो तुम्हारा पोषण। तो काइजर आखिरकार मैंने वेनम को पकड़ लिया, ये पता नहीं क्यों मेरा पोषण लेके भाग रहा था, चल निकल जाए यहाँ से। तो आखिरकार मुझे मेरा पोषण वापस से मिल चुका है, चलो इसको फटाफट से पी लेते हैं। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक और खतरनाक से चीता में, और ये सही में बहुत खतरनाक है क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं इस वेनम के बच्चे को पंच मारने वाला हूँ और देखना इसकी क्या ही हालत होने वाली है। वेनम तू नहीं बचेगा, ये ले। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे खतरनाक सा, मेरे पंच में बहुत ही ज्यादा पावर है। और कैसर ये वाला चीता और भी ज्यादा तेज हो चुका है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। पर काइजर हम यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि हमें दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनना है, और ये चीता दुनिया का सबसे खतरनाक चीता तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो काइजर और भी चीता पोषण पीते हैं और बनते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक चीता। तुम दोनों का स्वागत है इस अगले चैलेंज में। इस चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको मिलने वाला है ये खतरनाक सा पोषण। अगर ये पोषण चीता को मिलता है तो तुम सुपर चीता बन सकते हो, पर अगर ये पोषण गोरिल्ला को मिलता है तो ये सुपर गोरिल्ला बन सकता है। अब बता दो इस चैलेंज में तुमको करना क्या है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि अलग अलग वेट्स की है, जितनी ज्यादा भारी गाड़ी उठाकर तुम फेंक पाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस होंगे ये पोषण जीतने के। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा गाड़ियाँ उठा पाएगा वो ये चैलेंज जीतने वाला है। शुरू करते हैं सबसे पहले गोरिल्ला। तो गाइस अभी बारी आ चुकी है इस गोरिल्ला की, जितनी ज्यादा भारी गाड़ी उठाएगा उतना ज्यादा उसका स्कोर होगा। तो अभी इस गोरिल्ला ने बाइक को आराम से उठा के फेंक दिए, अब इस रेंज रोवर की देखते क्या इसको फेंक पाएगा। इसने तो रेंज रोवर फेंक दी, ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा है, और ये बड़ी सी गाड़ी इसको भी उठा के फेंक दिया। अरे काइजर ये गोरिल्ला का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसने तो पूरा मिलिट्री टैंक उठा के फेंक दिया, और ये मिलिट्री की एक और भारी सी गाड़ी इसको भी उठा के फेंक दिया। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब बारी इस ट्रेन के डब्बे की, और इसने ट्रेन का डब्बा भी उठा के फेंक दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा दूर। अब बारी इस छोटी सी बोट की, और इसको भी इस गोरिल्ला ने उठा लिया, और इसको भी
में फेंक दिया। और अब बारी है इस बड़ी सी बोट की, उसके पास सीधा कार्गो प्लेन की, देखते हैं क्या ये इसको उठा पाता है। और कैसर ये उठा नहीं पाएगा, मुझे लगता है ये नहीं उठा पाएगा, इससे बार बार गिर जा रहा है। मैं इसको उठा के रहूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगा। अरे ये क्या, ये फिर से गिर गई, वापिस आ जा। अरे ये तो बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता, बहुत भारी है ये। गोरिल्ला पहुंच पाया छोटी बोट तक, अब देखते हमारा चीता कहां तक पहुंचने वाला है। तो कैसर अभी मेरी बारी आ चुकी है, गोरिल्ला हमारा छोटी बोट तक पहुंचा था और मैं भी देखते कहां तक पहुंचने वाला हूं। सबसे पहले ये बाइक लेंगे, इसको फेंकेंगे बहुत दूर। बाइक तो हमने फेंक दी, अब बारी इस रेंज रोवर की, जो कि गोरिल्ला ने बहुत ही इजीली फेंक दी थी और हमने बहुत ही इजीली फेंक दी है। अब ये बड़ी सी गाड़ी, इसको भी उठा के फेंक देते हैं। अब बारी मिलिट्री टैंक की, क्या मैं उसको उठा पाऊंगा? ये बहुत भारी है, ये सही में बहुत ही भारी है, पर मैं उसको उठा के फेंक दूंगा। ये मिलिट्री टैंक तो सही में बहुत ही ज्यादा भारी था। अब ये एक और मिलिट्री की गाड़ी जो की बहुत खतरनाक है। अरे ये क्या, ये तो नीचे गिर गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इधर हार नहीं सकता। अरे ये गाड़ी तो नीचे गिर रही है, रुक जाओ, मुझे पूरा दम लगाना पड़ेगा, पूरा दम लगा के इसको फेंक देते। तो हमने मिलिट्री की गाड़ी को बहुत ही दूर फेंक दिया। अब बारी ट्रेन की, तो कैसे मुझे लगता है मेरी पावर्स थोड़ी कम पड़ने वाली है, तो फटाफट से कमेंट कर दो पावर, ताकि मेरी पावर बढ़ जाए और मैं इस ट्रेन को उठा के फेंकने वाला हूँ। ये सही में बहुत ही ज्यादा भारी है, क्या मैं इसको फेंक पाऊंगा? ये ले। तो कैसे ट्रेन को भी हमने बहुत दूर फेंक दिया। अब बारी इस बोट की, चलो फटाफट से इसको उठा लेते। ओह ये तो बहुत ही हल्की है, इसको हमने उठा के सीधा फेंक दिया है। अब बारी इस बड़ी सी बोट की, जिसमें वो गोरिल्ला भी उठा पाया था और ये मुझे उठानी पड़ेगी। उसके लिए गाइस आपको कमेंट करना पड़ेगा पावर पावर पावर, फटाफट से कमेंट कर दो पावर, ताकि मेरी पावर्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाए। फटाफट से उठाते इस बड़ी सी बोट को, और ये सही में बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा लग रहा है मैंने पूरी कोई सिटी उठा ली है। पर गाइस हम इसको फेंकने वाले हैं बहुत ही दूर। तो गाइस उस बड़ी बोट को हमने फेंक दिया, जो कि गोरिल्ला नहीं फेंक पाया था। अब बारी इस कार्गो प्लेन की, मैं इस कार्गो प्लेन को उठा के भी फेंकने वाला हूँ। आपको बताइए क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो पावर, और मैं उठाने वाला हूँ इस खतरनाक से कार्गो प्लेन को। चलो उठाते। और ये क्या, मैंने कार्गो प्लेन हाथों में उठा लिया है और मैं इसको सिर्फ फेंकने नहीं वाला, मैं इसे बहुत ही बड़ा जंप करने वाला हूँ इस कार्गो प्लेन के साथ, फिर हमें इसको करके बूम। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लेन यहाँ पर मैंने तोड़ दिया है, और हम ये चैलेंज भी जीत चुके हैं। और ये गोरिल्ला का बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा हमारे सामने, इधर आप इसको फेंक के आता हूँ पानी के अंदर। केले बहुत बढ़िया बच्चे, तुम ये चैलेंज जीत गए, चीता पोषण हुआ तुम्हारा। चलो गाइस फटाफट से चीता पोषण को पी लेते। तो कैसर अभी आप देख सकते हो फाइनली मैं एक चीता बन चुका हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बच्चे बहुत बहुत बधाई हो, तुम एक चीता बन चुके हो, पर तुम अभी एक सुपर चीता बने हो। पर अगर तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनना है, तो तुम्हें एक और चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने उस चैलेंज को 10 बार करने की कोशिश करी, मैं नहीं कर पाया। अगर तुमने कर दिया तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक चीता बन सकते हो, क्या तुम तैयार हो? क्या इसके बाद एक और चैलेंज? तो कैसर अगर मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनना है, तो मुझे इसके बाद एक और चैलेंज करना पड़ेगा। तो कैसर क्या बोलते हो, हमको वो चैलेंज करना चाहिए या फिर इसी चीता में रहना चाहिए? फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं तो सोच रहा हूँ वो चैलेंज कर लेना चाहिए। चीता अंकल मैं वो चैलेंज करूंगा। तो चलो बच्चे, मैं तुमको आखिरी चैलेंज पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे तुम बन सकते हो दुनिया के सबसे खतरनाक चीता। बच्चे क्या तुम तैयार हो दुनिया का सबसे खतरनाक चीता बनने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें लेनी है गाड़ी, और उस गाड़ी से ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करना है। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। अगर सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते 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 टायर के बीच में से निकलते निकलते इन सब चीजों को क्रॉस करते करते तुम आते हो फिनिशिंग लाइन पर, तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी फुटबॉल्स और बहुत सारी लड़कियाँ, और साथ में तुम्हारा चीता पोषण। क्या तुम तैयार हो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जाओ फिर, जो गाड़ी चाहिए ले लो और इस चैलेंज को कंप्लीट कर दो। तो कैसे फटाफट से इस खतरनाक सी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और हम इस चैलेंज को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले। चलो कैसे फटाफट से चलते हैं। तो कैसे ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसलिए मुझे फटाफट से कमेंट्स में गुड लक विश कर दो और फुल स्पीड में चलते जल्दी कमेंट कर देना गुड लक। और हम जाने वाले सीधा हवा में, और कैसे मैं कहीं तो जा रहा हूँ, यही क्या सीधा निशाने पे जाके हमारी, इस निशाने पे सीधा हमारी गाड़ी यहाँ
यहाँ पर गिर चुकी है। इसको भी यहाँ से नीचे गिरा दे, इसको भी नीचे गिरा दे, फटाफट से चलते सब तोड़ते फोड़ते, और सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाला है। और ये क्या, हम निकल पाएंगे? और ये निकल गए और सीधा मैं यहाँ पर लैंड हो चुका हूँ। तो गाइस सर, अभी मैंने थोड़ा सा रैंप चैलेंज कम्प्लीट कर लिया, अब बारी इधर आने की, और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और मेरी गाड़ी की हालत खराब होती जा रही है, इन पंखों से मुझे बचना पड़ेगा वरना ये मेरी पूरी गाड़ी को तोड़ देंगे। चलो इस पंख के बीच में चलेंगे और इसने हमको उड़ा दिया, पर कोई बात नहीं, हम वापस से जाएंगे और इस बार और तेज उड़ाइया, इस बार मैं पक्का नहीं जाने वाला। चलो फटाफट से सामने से निकलते हैं और गाइस इसको क्रॉस करते जाएंगे। और ये क्या, ब्लास्ट हो गया। और गाइस सर, हमें यहाँ से इस टारगेट को बोर्ड को फाड़ते हुए जा रहा है। फटा पोस्टर निकला हीरो, और गाइस सर हमने इसको फाड़ दिया। चलो फटाफट से फुल स्पीड में हम जाने वाले उन खतरनाक सर्कल स्क्वायर जो भी बोलो उनके बीच में से निकलना। और हमारी गाड़ी उड़ रही है, क्या ये निकलेगी? क्या हम पहुंच पाएंगे फिनिशिंग लाइन पे? और ये क्या, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? अभी आप देख सकते हो हमको इसके बीच में से निकलना था, पर हम इसके ऊपर आ चुके हैं, तो मुझे ऐसे फुल स्पीड में फिनिशिंग लाइन तक जाना पड़ेगा। फटाफट से चलते, 3 2 1 गो। क्या हम पहुंच पाएंगे? पहुंचा। और गाइजर कितना ज्यादा ये क्लोज था, पर आखिरकार हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सारी की सारी फुटबॉल उड़ाते हुए और सारी लड़कियों को उड़ाते उड़ाते हम जाने वाले अपना पोशन पीने। तो गाइजर आखिरी पोशन हमें मिल चुका है, चलो फटाफट से इसको पी लेते हैं और बन जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर, दुनिया के सबसे खतरनाक चीता। इसको पी लेते हैं। तो गाइजर आप देख सकते हो आखिरकार मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक चीता, और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाइजर आप देख सकते हो इसके मुंह में से आग निकल रही है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक चीता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दीदी ये लो आग। तो गाइजर इसकी शक्तियां सही में बहुत ही खतरनाक है, आप देख सकते हो हम कैसे इनको मार रहे, बहुत ही मजा आ रहा है। और अभी हम यहाँ से कूद भी चुके हैं। अगर ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज, इसको नीचे गिरने से कुछ नहीं होगा, देखते हैं इसको क्या होता है। क्या ये मरेगा या फिर नीचे जाके खड़ा हो जाएगा? और गाइजर ये गिर चुका है, क्या ये जिंदा है? जी हाँ ये जिंदा है। तो गाइजर ये तो सही में दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, इसके मुंह में से आग निकल रही है, ये बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकता है और इसके अटैक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइजर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई रोबोट, तो गाइजर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रोबोट चीता है। आपको क्या लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो गाइस सर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस सर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।